दर्शकों, एक बार फिर समाज सेवी नवीन के क्षेत्री सामने आए एक जरूरतमंद के मदद के लिए। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं कालचीनी प्रखंड के भाटपाड़ा न्यू लाइन क्षेत्र से, जहां पे आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा किए थे कि एक भाई समीर तामंग जो कि करीबन 3 वर्षों से बीमार है, और आज उन्हें देखने के लिए, उनको सहायता के लिए आज समाजसेवी नवीन के क्षेत्री उनके घर पहुंचे हैं। उनका जो समस्या है, उनका जो स्थिति है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उनके घर पे उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या मदद उनके ज़रूरत है, किस तरह से उनको मदद पहुंचाया जाए, इसको लेकर वो चर्चा करते हुए भी नज़र आए हैं। और आपको बता दें कि इस भाई समीर तामंग के लिए समाजसेवी नवीन के क्षेत्री ने मदद पहुंचाने का पेशकश किया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हर संभव मदद इनके चिकित्सा के लिए वो पहुंचाएंगे, और साथ साथ में यह भी अपील कर रहे हैं कि अन्य लोग भी, अन्य समाजसेवी और संस्थाएं भी इस भाई के लिए मदद के लिए आगे आए। और हम लोग यही चाहेंगे कि इंसानियत तभी जिंदा रहेगा जब इंसान इंसान का काम आएगा, और यही अपील के साथ हम लोग यहां से अलविदा ले रहे हैं। आशा करते हैं कि अन्य लोग जो इस विजुअल्स को देख रहे हैं, जिस तरह से समाजसेवी नवीन के क्षेत्री अपना सहयोग आगे बढ़ाने के लिए यहां पे पहुंचे हैं, उसी तरह से अन्य लोग भी पहुंचेंगे और इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी, बिमारीलाई हेर्न आउनु भएको छ है, के भन्नुहुन्छ त? सर्वप्रथम त भाइहरूलाई धन्यवाद जनाउँछु, किनभने यस्तो यस्तो जग्गामा भाइहरू गएर होइन कभर गर्नुहुन्छ, र बिमारीको हालत एकदम गम्भीर छ। यो उहाँको बिमारीको लागि म अस्ति नै आउनेवाला थिएँ है, यो गम्भीर देखेर आफूलाई पनि एकदम झकझोरियो है। म समस्त जति पनि यहाँको बासिन्दाहरू हुन्छ, कालचिनीदेखि लिएर जयगाउँसम्मको जति पनि हुन्छ, उहाँ सबैले उहाँको सपोर्ट गरौँ है। म कोसिस गर्छु, मेरो कोसिसले मात्रै हुँदैन, र सबैको सहयोगको जरुरी छ। आज उहाँलाई के अरे निको बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सबै एकसाथ भएर जुट्नुपर्छ भन्ने। धन्यवाद।